राजद को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और अपना अतीत देखना चाहिए। गलत बयानबाजी कर रहे थे कि 10 लाख नौकरियां देंगे, जनता यह समझ गई कि झूठ बोल रहा नेता, बनने के पहले झूठ बोल रहा है तो बनने के बाद क्या करेगा। कि उनको विरासत में राजनीति मिली है और लालू जी से चार्ज होते हैं तो आके यहाँ चार्ज अपना दिखाते हैं कि हमको कुछ जानकारी है, वो तो लापता रहते हैं बिहार से, तो क्या समीक्षा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। राजद कार्यालय पहुँचे विधायक और नेता ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं जो पनप रही हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अपराधियों को संरक्षण देता है। इन तमाम बिंदुओं पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, अब राजद ये कह रही है कि जो अपराधी घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी अपराधियों को संरक्षण दे रही है। देखिए, राजद को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और अपना अतीत देखना चाहिए। अपराधी उनके आइकॉन रहे हैं और अभी भी हैं। इस चुनाव में भी आप देख लीजिए, विधानसभा चुनाव में किसको टिकट दिया? शहाबुद्दीन जी की वाइफ को, जो विश्वविख्यात हैं, अनंत सिंह जी को, जो बड़े नामी गिरामी बिहार के माने छवि के नेता हैं, अरुण यादव की वाइफ को जो रेपिस्ट है, राजबल्लभ यादव की वाइफ को जो रेपिस्ट है, तो उनको ये बताना चाहिए कि उनके आइकॉन क्यों बने हुए हैं अपराधी। और दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद के नेता फिर से शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो उनकी मंशा समझ सकते हैं कि अपराधियों के पक्ष में कितना प्रबल उनका है। और वो निश्चित रूप से अपनी बात हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, जो बिहार की जनता देख रही है। और जहाँ तक समीक्षा बैठक की बात है, उनको समीक्षा करना चाहिए अपने कार्यशैली पर, राजद को समीक्षा करना चाहिए अपने नेता पर, तेजस्वी यादव जी पर, जो दूज के चांद बने रहते हैं, संयोग से कभी कभी महीना दो महीना पर बिहार में नजर आते हैं। क्या वो लड़ाई लड़ेंगे, क्या प्रतिपक्ष का रोल अदा करेंगे? उनको ये जवाब देना पड़ेगा बिहार की जनता को कि किसान आंदोलन की बात किए और खुद फील्ड छोड़कर भाग गए, किसानों को बीच में छोड़कर भाग गए, जबकि किसान के हित में बिल आया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य रखा है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो एक केवल किसानों को बरगलाते हैं और केवल गलत बयानबाजी करते हैं। तो समीक्षा इन बातों पर करना होगा, उन्हें काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है भाजपा जदयू की सरकार से, हमारे महागठबंधन से, गठबंधन से, और तब इस तरह की वो बातें करें तो शोभा देगा। बिहार विधानसभा चुनाव में उनका कहना है कि आप लोग पीछे के दरवाजे से, चोर दरवाजे से बिहार विधानसभा में आपकी एंट्री हुई है, कहीं ना कहीं तंत्र का दुरुपयोग किया है आप लोगों ने। ये देखिए सरासर गलत है और जनता का अपमान वो कर रहे हैं। जनता ने हमें वोट दिया है, अगर उनको देता तो हम स्वागत करते हैं, माला पहनाते, हम सरकार बनती हम लोग तालियां बजाते, लेकिन जनता ने हमारे गठबंधन को वोट दिया है, हमको ज़्यादा सीट दिया है, तो स्वाभाविक है हमारी सरकार बनेगी। ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और ये गलत बयानबाजी कर रहे थे कि 10 लाख नौकरियां देंगे, जनता यह समझ गई कि झूठ बोल रहा नेता, बनने के पहले झूठ बोल रहा है तो बनने के बाद क्या करेगा। तो उन्हें जगह पर पहुँचा दिया और हमारी कुछ गलतियों से हमारे गठबंधन के साथी के कारण भी उनको इतने सीटें आ गई, न 25-30 सीटों पर सिमट जाते। लालू यादव से मिलने के बाद तेजस्वी यादव तुरंत एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कैसे इस बैठक को आप देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि उनको विरासत में राजनीति मिली है। अच्छा। और लालू जी से चार्ज होते हैं तो आके यहाँ चार्ज अपना दिखाते हैं कि हमको कुछ जानकारी है, वो तो लापता रहते हैं बिहार से, तो क्या समीक्षा करेंगे? उनको क्या जानकारी है बिहार के बारे में, खेत खलिहान के बारे में क्या जानकारी है? जैसे राहुल गांधी जी आलू से सोना उगाते हैं, उसी तरह से भी उगाने का काम कर रहे हैं। तो आपने साफ साफ सुना, तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े करते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा, और कह रहे हैं कि उन्हें कृषि का ज्ञान नहीं है, उन्हें बिहार के बारे में कुछ पता नहीं है। लालू यादव से चार्ज होकर आते हैं और उसके बाद तुरंत समीक्षा बैठक करते हैं और लालू यादव का दिया हुआ ज्ञान ही वो लोगों में बांटते हैं। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।